मथुरा के जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी के साथ अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला अपने बच्चे के एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आई हुई थी। मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में देरी होने के कारण महिला बाबू से जल्दी बनाने की बात कह रही थी। अधिकारी ने महिला को इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद महिला ऑफिस से बाहर निकल गई और अपने साथ 2-3 लोगों को ले आई। और फिर क्या था, महिला और उसके साथियों ने बाबू रणधीर सिंह पर लात घूसा बरसाना शुरू कर दिया। ये सब देख आसपास खड़े लोग बीच बचाव करने लगे। अपने बचाव में बाबू रणधीर सिंह ने भी लात घूंसे चलाए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जानकारी में जुट गई है। इस सब के बारे में जानकारी देते हुए जेएस जाट ने बताया कि हम यहाँ कुछ काम से आए हुए थे कि हमने देखा एक महिला के साथ 2-3 लोग आए और रणधीर बाबू पर लात घूंसों की बरसात करने लगे। इसमें दोनों पक्ष के द्वारा आपस में अलग अलग वीडियो प्रस्तुत किया गया। यहाँ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जांच कराई जा रही है, जांच करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला आई थी मेडिकल बनवाने, तो वो मेरे पास आई, वो मैंने कहा गया था बच्चे को लाओ, बच्चा उसके पास था नहीं, और फिर वो बोली कि मेरा बिना बच्चे के कर दो और जो जल्दी कर दो। मैंने कहा साहब है नहीं, तो फिर वो मुझे कहने लगी नहीं जल्दी करो, फिर वो नाराज़ हो गए, मेरा पार हाथ से छुड़ा के चली गई। उसके बाद 15 मिनट बाद आई वो, उसके साथ 3-4 आदमी थे, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी मेरे साथ।